हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आप भाषण दोगे 26 जनवरी को, किस तरह से आप भाषण दो कि लोग आपकी तारीफ करें, तालियां आप बजाने लगे, मजा आ जाए आपको भी। तो देखिए, जब भी आप मंच पे जाइएगा हड़बड़ाइएगा ना, यानी डरिएगा मत जरा सभी। तो जब आप मंच पे चढ़िएगा एक ही बात वहाँ पर शुरू कीजिएगा बोलना कि आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। फिर इसके बाद बोलिएगा माननीय प्रिंसिपल महोदय। मान लीजिए अगर आपके स्कूल में कोई अतिथि आया हो तो सबसे पहले बोलिएगा माननीय अतिथि महोदय, प्रिंसिपल महोदय, अध्यापक गण और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। फिर आगे बोलिएगा आज हम अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया, जिसके कारण हम हवा और स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। इसलिए आज हम अपना क्या गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अगर इसमें कुछ और आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। मैं उन सभी क्रांतिकारियों तथा अपने भारतीय सैनिकों को नमन करता हूं जो दिन रात परिश्रम कर हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं और हमारी और हमारे भारत माता की रक्षा करते हैं। फिर आप आगे बोलिएगा कि गणतंत्र दिवस हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। हमारे अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को हमारे देश के संविधान के साथ सुनिश्चित किया गया है, जो हमें गौरवान्वित करता है। इस संविधान के माध्यम से हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा भी स्थापित की गई थी। अंत में बोलिएगा, इसी के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।